हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पाई नंबर के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्पाई नंबर का प्रोग्राम बनाने से पहले मैं सबसे पहले आपको स्पाई नंबर के बारे में बता देता हूँ। स्पाई नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसकी डिजिट्स का सम और उसी नंबर की डिजिट्स का जब प्रोडक्ट करते हैं हम, तो जो रिजल्ट आता है वो अगर इक्वल होता है, यानी डिजिट्स का सम और डिजिट्स का प्रोडक्ट जब हमने किया तो जो दोनों रिजल्ट आए वो अगर इक्वल होते हैं तो वो नंबर स्पाई नंबर होता है, अदरवाइज वो नंबर स्पाई नंबर नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। 1, 2, 3 अगर हम इनपुट करते हैं तो यहाँ पर जब हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 1 + 2 + 3 तो रिजल्ट आएगा 6। जब हम इसी नंबर की डिजिट्स का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज़ 1 × 2 × 3 तो भी रिजल्ट 6 आएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दोनों इक्वल हैं, तो इट इज़ अ स्पाई नंबर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1, 1, 2, 4। 1, 1, 2, 4 को जब हमने सम ऑफ डिजिट्स किया इसका, तो 1 + 1 + 2 + 4 तो रिजल्ट आया 8। और जब हमने प्रोडक्ट किया इसी का तो 1 × 1 × 2 × 4 दैट इज 8। तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल है तो इट इज़ अ स्पाई नंबर प्रिंट कर देंगे हम। और अगर ये रिजल्ट सेम नहीं होता तो हम इट इज़ नॉट अ स्पाई नंबर प्रिंट करते। तो जल्दी से मैं आपको इसका एल्गोरिथम बता देता हूँ और फिर हम प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले एक नंबर इनपुट करना है और फिर उसी नंबर को एक दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर करना है। अब एक वेरिएबल में हम सम ऑफ डिजिट्स को स्टोर करेंगे और एक वेरिएबल में हम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स को स्टोर करेंगे। ये करने के बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे और अगर रिजल्ट ट्रू आता है, दैट इज़ अगर सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का रिजल्ट इक्वल होता है तो हम स्पाई नंबर प्रिंट कर देंगे, और अगर रिजल्ट इक्वल नहीं होता है तो हम नॉट अ स्पाई नंबर प्रिंट कर देंगे। तो आइए अब प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले java.io पैकेज को इम्पोर्ट किया है और फिर java.util पैकेज को, क्लास का नेम रखा है स्पाई और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और इंटीजर टाइप के यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो इनका यूज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम n में इनपुट ले लेंगे नंबर का और p वाले वेरिएबल में जो हमने नंबर इनपुट लिया है उसी को स्टोर कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम इस वाले लूप को यूज़ करके सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3 का। तो यूज़र ने इनपुट किया 1, 2, 3, तो n में स्टोर हो गया 1, 2, 3। p में n की वैल्यू आएगी तो p में भी वैल्यू हो गई 1, 2, 3। ओके, अब ये आप याद रखिएगा, आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा क्यों। तो यहाँ पे कंडीशन है वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, तो 1, 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, देन rev को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो rev इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। तो इसका मीनिंग है जब हम 1, 2, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या जो भी आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। और सम ऑफ डिजिट्स के लिए हमने ये यूज़ किया है s वाला वेरिएबल, तो s को हमने शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो यहाँ पे 0 + rev की वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज़ 0 + rev में वैल्यू आ गई थी 3, और सम हमने लिया है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के लिए, तो सम में हम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स लेंगे और s वाले वेरिएबल में हमने सम ऑफ डिजिट्स लिया है। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए सम वाला यूज़ किया है। तो सम इंटू rev, तो सम की वैल्यू है यहाँ पे 1, हमने 1 से इनिशलाइज कर रखा है, तो 1 × rev में वैल्यू आई 3, तो 1 × 3, तो s की वैल्यू हो गई 3, दैट इज़ 0 + 3, और 1 × 3
वैल्यू हो गई ये भी 3, सम में भी वैल्यू 3 हो गई और एस में भी वैल्यू 3 हो गई। एन इक्वल टू एन बाई 10, तो इसका मीनिंग है जब हम 1, 2, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आएगा 12। तो n में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, पहले 1, 2, 3 थी, अब 12 हो जाएगी। अब ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, 12 इज ग्रेटर देन 0। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप वैल्यूज याद रखिएगा। तो वैल्यूज थी हमारी, इसमें भी 3 आ चुकी थी, इसमें भी 3 आ चुकी थी। तो अभी हमारा अपडेट होके वैल्यू था 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। आर ये भी एन मॉड्यूलस 10, इसमें भी सेम काम होगा, 12 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा, दैट इज़ लास्ट डिजिट। और s इक्वल टू s प्लस आर ई वी, तो s में अभी वैल्यू है 3, तो s प्लस आर ई वी होगा, यानी 3 प्लस आर ई वी की वैल्यू ये आ गई है 2, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। सम में हम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कर रहे हैं, तो इसमें होगा सम इंटू आर ई वी, तो सम में वैल्यू भी 3 थी, तो 3 इंटू आर ई वी, आर ई वी की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। ओके, तो अब आप देखिए सम ऑफ डिजिट्स हो रहे हैं 5 और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हो गया है 6। ओके, अब n इक्वल टू n बाई 10 एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 12 बाई 10, तो क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा 1, तो n की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 1। और ये फिर कंडीशन चेक करेगा, तो 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब मैं दोबारा ही रेज कर रहा हूँ, आप वैल्यूज याद रखिएगा। तो वैल्यूज़ जो आई थी हमारी वो थी 5 सम ऑफ डिजिट्स की, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स की थी 6। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। आर ई वी में दोबारा चेक करेगा कंडीशन और कैलकुलेट करेगा, तो 1 मॉड्यूलस 10, तो 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो s इक्वल टू s प्लस 1, सॉरी s इक्वल टू s प्लस आर ई वी, तो ये हो जाएगा s की वैल्यू है 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। सम इक्वल टू सम इंटू आर ई वी, तो सम की वैल्यू है 6, लास्ट टाइम 6 थी, और इंटू आर ई वी, आर ई वी की वैल्यू है 1, तो 6 इंटू 1, तो ये हो गया 6। और फिर n इक्वल टू n बाई 10, यानी जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा 0। तो n की वैल्यू अपडेट होके हो गई 0। तो अब ये फिर कंडीशन चेक करेगा, तो वाइल एन इज़ ग्रेटर देन 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 को ये चेक करेगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये अंदर की स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और इफ़ वाली कंडीशन को चेक करेगा। तो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं सम में और एस में, 6 एंड 6 हैं। एस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट और सम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो सम में हमारी वैल्यू आई थी 6, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स जो था, और एस में हमारी वैल्यू आई थी 6, जो कि था सम ऑफ डिजिट्स। तो ये कंडीशन ट्रू है, 6 इज इक्वल्स टू 6, तो इट इज़ अ स्पाई नंबर प्रिंट कर देगा। और पी में वैल्यू थी हमारी 1, 2, 3, तो यहाँ पे मैंने ये पी वेरिएबल क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया। एन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हमने इनपुट किया था 1, 2, 3, तो लूप जब ये बार बार एग्जीक्यूट हुआ तो लास्ट टाइम एन की वैल्यू अपडेट होके हो गई थी 0, इसी वजह से हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया था दूसरे वेरिएबल में ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हम प्रिंट करेंगे, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग प्लस पी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर 6 इक्वल टू 6 नहीं आता, कोई दूसरा नंबर लिया होता हमने, तो इट इज़ नॉट अ स्पाई नंबर, ये प्रिंट कर देता। यहाँ पे मेन मेथड क्लोज होता है, यहाँ पे क्लास क्लोज होती है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 1, 2, 3, इट इज़ अ स्पाई नंबर। अब की बार वैल्यू डालते हैं 1, 1, 2, 4,
इट इज़ अ स्पाई नंबर। एक बार और रन करते हैं और वैल्यू डालते हैं 825। इट इज़ नॉट अ स्पाई नंबर, 825 प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दूंगा विद इन 24 आवर्स में। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड या एल्गोरिथम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो आप उस पर विज़िट कीजिए और आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड और एल्गोरिथम प्लस और भी इसी के जैसे रिलेटेड प्रोग्राम्स का एल्गोरिथम और सोर्स कोड मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।